हाय एवरीवन, आप सबका फिर से मेरे एक नए वीडियो पर स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो क्या फेसबुक ने आपका भी अकाउंट को इस प्रकार के प्रॉब्लम में फंसा दिया गया है और रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है? तो यहाँ पर 5 कमेंट्स दिख रहे हैं गाइज। ओके, जैसे कि हम किसी कमेंट पर क्लिक करते हैं तो ये सिर्फ राउंड राउंड सिर्फ होता है, कुछ प्रोसेस नहीं हो पाता है। तो आप इस प्रकार के प्रॉब्लम से आप कैसे रिकॉर्ड कर पाएंगे, कैसे अनलॉक कर पाएंगे, आज मैं पूरा इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बस इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो, स्टेप बाय स्टेप अपने अकाउंट में फॉलो करो इस ट्रिक को, तब जाके आपका अकाउंट रिकॉर्ड हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। तो मैं बिना वक्त गवाए ट्रिक को बता देता हूँ। तो आपको सबसे पहले करना क्या होगा, ये सभी जगह से आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको देख लेना है कि कहाँ कहाँ पर मेरा अकाउंट लॉगिन है। ओके, जहाँ भी लॉगिन होगा सभी जगह से आपको लॉग आउट कर देना है। लॉग आउट करने के बाद आपको अपना फेसबुक लाइट ओपन कर लेना है। ओके, जैसे ही आप ओपन करोगे तो यहाँ पर एक एक्टिव जो भी रहेगा एक्टिव अकाउंट यहाँ पर लॉगिन कर लेना है जो चलता होगा। ओके गाइज, इतना करने के बाद आपको ये ऊपर में 3 लाइन दिखता होगा गाइज। ओके, इस 3 लाइन पे आपको कहीं पर भी ये 3 लाइन आपको मिल सकता है। ओके, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको थोड़ा सा ऊपर आना है, जैसे कि आप सब देख भी सकते होंगे स्क्रीन में। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा रिपोर्ट ए प्रॉब्लम करके, इस पर आपको क्लिक कर देना है। सही है गाइज, आपको ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, जैसे कि आप सब देख भी सकते होंगे यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है नीचे साइड। ओके, इस पर आपको क्लिक कर देना है कंटिन्यू पर। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे, बट आपको ये प्राइवेसी जो दिख रहा है गाइज उस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद तो यहाँ पर एक अपील देना है, फीडबैक देना है, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो वहाँ से आप कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट आपको कर देना है। तो यहाँ पर एक एड इमेज बोल रहा है। ओके गाइज, जैसे कि आप सब देख भी सकते होंगे तो यहाँ पर एक एड इमेज देना है, जो कि मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। ओके, तो इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करने के बाद आपको इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है, इस प्रॉब्लम का एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। लेने के बाद इस एड इमेज पर जाके आपको जो भी परमिशन मांगेगा उसको आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद जो भी इमेज हमने स्क्रीनशॉट लिया था उसको यहाँ पर दे देना है। इतना करने के बाद यहाँ पर फीडबैक को तो मैं बता दिया था आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं देता हूँ तो आप यहाँ से भी आप देख भी सकते होंगे। ओके, जैसे कि आप सब देख भी सकते होंगे यही चीज़ आपको मतलब फीडबैक में देना है। तो मैं फटाफट यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। पेस्ट करने के बाद आपको नेम, नंबर, ईमेल और पासवर्ड आपको दे देना है। ओके, तो मैं फटाफट सब चीज़ को दे देता हूँ, फिर वीडियो को स्टार्ट कर दूंगा। तो जैसे कि मैंने सब चीज़ को यहाँ पर दे दिया है, देने के बाद ये जो सेंड का बटन दिख रहा है उस पर आपको क्लिक कर देना है। ओके, इतना करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा थैंक्स फॉर लेटिंग अस नाउ। ओके, हमारा फीडबैक फेसबुक टीम के पास पहुँच गया है, अब ये हमारा फीडबैक को रिव्यू करेगा, तब जाके हमें कुछ अदर ऑप्शन देगा जिससे हम अपने अकाउंट को रिकवर कर सकते हैं। अब हमको 48 घंटे का वेट करना है। 48 घंटे के लिए आपको ये सभी जगह से आपको लॉग आउट कर देना है अपने फेसबुक अकाउंट को। ओके, तो जैसे कि मैं यहाँ पर सभी जगह से लॉग आउट कर देता हूँ सबसे पहले। तो जैसे कि मैंने सभी जगह से लॉग आउट कर दिया है, लॉग आउट करने के बाद जैसे कि मैंने बताया आप सभी को कि 48 घंटे के बाद ही अपने फेसबुक अकाउंट को लॉगिन करना है और बार बार आपको लॉगिन करके नहीं देखना अपने फेसबुक अकाउंट को, वरना रिजेक्ट हो जाएगा हमारा फीडबैक। अभी के लिए तो सिर्फ इतना ही, अगर कुछ भी दिक्कत परेशानी हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।